जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 66 रनों से हरा दिया है। यह सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच था, मगर सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया है। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 7 विकेट पर 352 रन बनाए थे। ओपनर मिचेल मार्स ने सबसे ज़्यादा 96 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 74 और मार्नस लवुसेन ने 72 रनों का ताबड़तोड़ पारी खेला था। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट चटका डाले थे। स्पिनर कुलदीप यादव को 2 सफलता मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पूरी कोशिश थी कि आखिरी वनडे में जीत कर अपने लाज बचाने पर, और उसने इसी तरह से खेल दिखाते हुए जमकर भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 50 ओवरों में 352 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। भारत के सामने 353 रनों का टारगेट था, लेकिन टीम इंडिया 246 रन ही बना सका था और मैच गंवा दिया। टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा 81 रन बनाए थे। उसके अलावा विराट कोहली ने 56 रनों की पारी खेला था। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन देकर सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटका डाले थे। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का सपना भी टूट गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।